इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत से दिया है। कन्नौज से सांसद बने हैं अखिलेश यादव, विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने इस्तीफा भेजा है। नेता प्रतिपक्ष भी है अलाउद्दीन, हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, ये खबर मिल रही है कि करहल सीट से अखिलेश ने इस्तीफा दे दिया है, क्या जानकारी? जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जैसा कि न्यूज एटीन लगातार खबर पर कल से बना था, जब करहल की जनता से उन्होंने कल सैफे में मुलाकात की थी तो उस दौरान ही उनसे बातचीत के दौरान इस बात को कंफर्म किया था कि वो करहल की सीट छोड़ रहे हैं और नेता पोजीशन का पद भी छोड़ेंगे और दिल्ली की राजनीति करेंगे। हालांकि ऑफिशियली कल अखिलेश यादव वहां से 1 बजे निकले थे इस्तीफा देने के मकसद से, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष क्योंकि मौजूद नहीं थे कल, तो ऐसे में उनका इस्तीफा कल हो नहीं पाया था। आज सुबह से ही वो विधानसभा अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे लेकिन वो अभी तक आए नहीं, वो शायद दिल्ली प्रवास पर हैं। तो ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना इस्तीफा जो है उनके कार्यालय को रिसीव करा दिया है, यानी कि उन्होंने अपने दोनों पदों से यानी करहल विधानसभा में सदस्य पद से इस्तीफा दिया, साथ ही नेता अपोजिशन पद से भी। ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अवधेश प्रसाद का एमएलए पद से इस्तीफा, विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा भेजा गया है। सांसद बनने के बाद विधायक पद छोड़ दिया, फैजाबाद से एसपी के सांसद चुने गए हैं, मिल्कीपुर विधानसभा से चुने गए थे विधायक। तो अब मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होगा। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अलाउद्दीन, अवधेश प्रसाद ने भी एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया है, मिल्कीपुर में यानी कि फिर से चुनाव होगा, उपचुनाव होगा? जी हाँ बिल्कुल, अवधेश प्रसाद जो इलेक्शन अभी जीते थे फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से, उन्होंने भी अपना इस्तीफा अखिलेश यादव जी के साथ ही वहां रिसीव कराया है। तो कुल मिलाकर के 4 जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के वो सांसद बने हैं। एक तो अखिलेश यादव खुद करहल मैनपुरी से, अवधेश प्रसाद फैजाबाद की मिल्कीपुर से, लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर के कटहरी से थे और जियाउर रहमान जो कि मुरादाबाद की कुंदरती से विधानसभा के सदस्य थे। तो ऐसे में 2 इस्तीफे अब तक विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को मिल गए हैं। लालजी वर्मा से अभी अभी न्यूज एटीन की बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं भी अपना इस्तीफा कटहरी विधानसभा से सदस्यता के तौर पर भेज रहा हूँ और मैं संसद का सदस्य ही रहूंगा। तो एक इस्तीफा बचता है सपा का जियाउर रहमान अबर का, माना जा रहा है वो भी कल तक कुंदरती विधानसभा से अपना इस्तीफा विधानसभा कार्यालय को भिजवा देंगे। बिल्कुल अलाउद्दीन, और हमने देखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, ऐसे में एक्टिव मोड में समाजवादी पार्टी भी नजर आ रहा है कि आने वाले लिहाज से भी, अब उपचुनाव भी होने हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी गुड़ा गढ़ित बिठाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रखे हैं। जी हाँ बिल्कुल, अब जिस फार्मूले पे वो चले हैं, कल न्यूज एटीन ने उनसे जब इंटरव्यू करा तो उन्होंने साफ तौर से बोला कि हम उसी फार्मूले पे चलेंगे यानी पीडीए के फार्मूले पर, और उनके जो विधानसभा के जो सदस्य जो तमाम सांसद बने हैं वो इस्तीफा देके दिल्ली का रुख करेंगे और बाई इलेक्शंस के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा और माना कि आने वाले दिनों में वो बाई इलेक्शन के लिए अपने लोगों को अभी से ही लगने के लिए कहेंगे और इस बात की तरफ भी इशारा करेंगे कि तैयारियां अभी से ही मुकम्मल रखें, क्योंकि करीब 9 तो विधानसभा एक विधान परिषद है जिसपे चुनाव होना है, जिसमें अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, लालजी वर्मा, जियाउर रहमान बर्क जिनका 4 लोगों का नाम किया, इसके बाद बीजेपी के अनूप वाल्मीकि हैं, अतुल गर्ग जो गाजियाबाद से हैं, फूलपुर से प्रवीण पटेल हैं, मीरापुर से रालोद की चंदन पटेल हैं, जो चंदन चौहान है। ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फखरुल हसन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फखरुल जी स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है, ऐसे में अब 2 और सीटें हो गई है जहां पर उपचुनाव होगा, करहल में भी दोबारा से चुनाव होगा, मिल्कीपुर सीट भी खाली हो गई है। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी वो आज विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे के वो विधान संसद में बनेंगे, जहां पे वो गरीब किसान मजदूर की अपनी पीडीए की जो आवाज है उसको बुलंद करने का काम करेंगे, उनके हक के लिए लड़ने का काम करेंगे। तो जहां तक बाई इलेक्शन की बात है कि उत्तर प्रदेश की बहुत सी सीटों पे बाई इलेक्शन होने हैं और उन पे जब चुनाव की घोषणा होगी तो समाजवादी पार्टी अपने पीडीए नारे पे, जिस नारे पे घोसी का विधानसभा उपचुनाव जीता था, लोकसभा का चुनाव जीता है, उसी नारे पे उसी योजना से हम आगे बढ़ेंगे और अपने पीडीए को मजबूत करते हुए ये बाई इलेक्शन भी जीतेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया है, आदरणीय अखिलेश यादव जी देश की संसद में जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, देश के उन गरीब किसान मजदूर की बात करेंगे जिनकी हक की आवाज पिछले काफी समय से दबाई जा रही, भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आए जा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा नहीं हो पाई संसद में। अब संसद में विपक्ष मजबूत है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की आवाज संसद में गूंजेगी,
देश के किसान और मजदूर की आवाज वो संसद में बुलंद होगी, उनके हक के लिए लड़ने की आवाज वो संसद में मजबूत होगी। यानी कि फखरुल जी जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जब अखिलेश यादव अवधेश जी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, तभी उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अब आप विधायक नहीं है। हालांकि वो चौक भी गए थे, उन्होंने कहा अब आप विधायक नहीं सांसद बनने वाले हैं, यानी कि भविष्यवाणी सच हुई। देखिए समाजवादी पार्टी बहुत पहले से इस बात को कह रही थी कि इस बार समाजवादी पार्टी 2004 का जो अपना प्रदर्शन था उससे आगे निकल जाएगी, और वो तो उनके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वहां जब गए वो फैजाबाद प्रचार करने, तो वहां पे जन समर्थन देखा, तो उस जन समर्थन को देख के आदरणीय अखिलेश यादव जी मजदूर है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए यानी कि ये पहले ही तय हो गया था और पहले ही अपनी जीत को लेकर समाजवादी पार्टी आश्वस्त थी। फखरुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरके मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। आरके मिश्रा जी स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। फखरुल हसन जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अब दो सीटें जो और खाली हो जाएंगी जहां पर फिर से उपचुनाव होगा वहां पर भी समाजवादी पार्टी ही जीत हासिल करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी स्थिति मजबूत हुई है उसके बाद वो जीत को लेकर और ज्यादा आश्वस्त हो गए हैं। अब देखिए आश्वस्त कैसे हैं मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये अपना समाजवादी पार्टी का किस तरह से उनका अपना आकलन है और किस तरह से उनकी कैलकुलेशन है ये तो वही समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फैजाबाद की जनता जहां से अवधेश प्रसाद जी ने इस्तीफा दिया है वो सीट जैसे उपचुनाव के लिए खाली है, मुझे लगता है फैजाबाद की जनता इस बार जो चुनाव हुआ है लोकसभा का उसमें भी कहीं ना कहीं वो अफसोस जाहिर कर रही है। और ये मैं देख रहा हूं जो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे ऐसे मीडिया के माध्यम से भी ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है जो उपचुनाव में जहां तक ये आश्वस्त है इस आश्वस्त जो वो किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में, लेकिन मुझे लगता है चाहे फखरुल जी से जवाब ले लेते हैं। फखरुल जी क्या फैजाबाद की जनता इस वक्त निराश है जो नतीजे आए हैं उससे? देखिए सवाल ये है कि वो दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के पास पहले भी थी विधानसभा और हम लोकसभा भी जीत गए, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र जिस बात को कह रहे हैं अरे साहब आप अयोध्या वासियों को आपके लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उनकी भाषा क्या है सोशल मीडिया पे वो पूरा देश देख रहा है दुनिया देख रही है, और आपको तो सबक सिखाएगी अब इस बार की फैजाबाद और अयोध्या की जनता जिन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या वासियों के लिए फैजाबाद वासियों के लिए किया है वो पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए आत्मचिंतन कीजिए। हार के बाद आत्मचिंतन किया जाता है ये भाषा इस्तेमाल नहीं की जाती। बिल्कुल आत्मचिंतन की जरूरत हर किसी को है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े वक्त देने के लिए, हमारे सहयोगी भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।